घर में फर्नीचर तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं, कारपेंटर लगा हुआ है। इस दौरान जो पुराना फर्नीचर था उसमें से बहुत सारे हैंडल्स निकले हैं, उन हैंडल्स की दशा आप देख लीजिए, इतने गंदे हो गए हैं कि कारपेंटर कह रहा है कि नए फर्नीचर में ए वाले हैंडल्स नहीं लग पाएंगे, इनके लिए आपको नए हैंडल बाज़ार से लाने होंगे। अब इतने सारे हैंडल्स निकले हैं, मेरे पास डेढ़ दर्जन से अधिक हैंडल्स हैं। अब ए वाले काम नहीं करेंगे तो दूसरे लाने पड़ेंगे। काम क्यों नहीं करेंगे, मैंने पूछा, काम क्यों नहीं करेंगे? कारपेंटर बता रहा है क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए हैं, आपका फर्नीचर नया है तो नए फर्नीचर में नए साफ़ सुथरे हैंडल लगने चाहिए। यह एक बड़ी समस्या है, बाज़ार में लेने जाएं तो ये हैंडल्स, एक एक हैंडल आपको 100-100 रुपए से अधिक का मिलता है। अब इतने सारे हैंडल्स आपके व्यर्थ जाएंगे। मैंने कहा इन हैंडल्स को साफ किया जा सकता है तो फेंका क्यों जाए, नए हैंडल क्यों लाए जाए? और देखिए एक सॉल्यूशन मैंने घर में तैयार किया और इस सॉल्यूशन की सहायता से मैं आपके सामने इसी वीडियो में अपने इन पुराने हैंडल्स को साफ करके चमका के बिल्कुल नया करूँगा, या आप कहिए नए जैसा कर दूँगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और एक बात मैं आपसे कह दूँ कि इसी वीडियो में मैं इस सॉल्यूशन की रेसिपी भी आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में, अगले वीडियो में नहीं, तो आप जुड़े रहिए आखिर तक। ये देखिए ये कुछ हैंडल्स मैंने पहले से साफ करके रखे हैं और बाकी आप देखिए सॉल्यूशन में कुछ हैंडल्स मैंने डाले हुए थे, ये वे हैंडल्स हैं जिनको मैं अभी साफ कर रहा हूँ, ये आपके सामने रखे हुए हैं इस ट्रे में। अभी इन पर सॉल्यूशन और रगड़ा जाएगा और ये हैंडल्स चमक कर बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो साथियों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। ये देखिए ये हैंडल्स आपके सामने हैं, इनको मैं, आप देख रहे होंगे स्कॉच ब्राइट का एक टुकड़ा रखा हुआ है, इस टुकड़े की सहायता से मैंने हैंडल्स को रगड़ रगड़ कर चमकाया। ये देखिए एक सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है वो दो चीज़ों से बनाया है और उसमें से एक चीज़ ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये है, मैं आपको नाम इसका बता देता हूँ, ये है बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर की मदद ली गई है और एक दूसरा इंग्रेडिएंट भी है इस रेसिपी का, आप आगे जानेंगे। देखिए ये मैंने सॉल्यूशन में पहले डुबोए थे और फिर रगड़ के साफ किए थे, अब और चमकाने के लिए मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और उसी स्क्रबर के सामने की सहायता से, स्क्रबर की सहायता से मैं उस बेकिंग पाउडर को इस हैंडल पर रगड़ रहा हूँ। और आप देखिएगा आगे चल करके आपको ये हैंडल बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। ये आपने देखा हैंडल्स जब लगे हुए थे पुराने कितने गंदे हो गए थे, कितना मैल जम गया था और इनको
मेरे कारपेंटर ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये वाले हैंडल नए फर्नीचर में नहीं लगेंगे, क्योंकि फर्नीचर नया है और हैंडल्स हैं पुराने गंदे। और मैंने एक रास्ता निकाला है, एक सॉल्यूशन मैंने तैयार किया, और सॉल्यूशन जो तैयार किया उसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट हमारी आपकी रसोई में, किचन में उपलब्ध रहते हैं। उन्हीं इंग्रेडिएंट का मैंने सॉल्यूशन तैयार किया, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट। और आप देख रहे हैं कि मैं अपने हैंडल्स को एक स्क्रॉच ब्राइट जो स्क्रबर है उसकी सहायता से मैं बेकिंग पाउडर लगा करके हैंडल को अच्छी तरह से साफ कर रहा हूँ। ये काम आप डिटर्जेंट से नहीं कर सकते थे। कोई भाई सोच रहा होगा कि डिटर्जेंट लगा करके भी तो साफ हो सकता था। नहीं, डिटर्जेंट की मदद से आप इसको साफ नहीं कर सकते थे। इसको साफ करने के लिए मैंने पहले हैंडल्स को सॉल्यूशन में डुबा के रखा करीब 10-15 मिनट, और उससे हमारे हैंडल्स का जो मैल था वो उतर गया, सॉफ्ट हो गया, और अब मैंने साफ कपड़े से हैंडल्स को पोंछ दिया है। आप देख रहे होंगे हैंडल्स में चमक आ रही है, चमक। अब देखें जहां ज्यादा गंदा है वहां पर आपको ज्यादा अच्छी तरह से सफाई करनी होगी। बाद में आप साफ सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से इनको पोंछ दीजिए। इससे जो सॉल्यूशन हैंडल्स में लग गया है वो भी साफ हो जाएगा। ये देखिए, और आपके हैंडल्स बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि स्टील फिनिश में, क्रोम पॉलिश में जितने भी आइटम हैं या पीतल के जो भी आइटम्स हैं उन सबको हम इस विधि से साफ कर सकते हैं। इन आइटम्स में आपके बाथरूम की टोंटियाँ यानी टैप्स, बाथरूम टैप्स शामिल हैं, बाथरूम टैप्स, वॉशरूम टैप्स, किचन के टैप्स, आप उन सब को इस सॉल्यूशन की मदद से साफ करके चमका सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। आप देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। और ये दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप देख रहे होंगे हमारे हैंडल्स साफ होते जा रहे हैं, इनमें एक चमक आ रही है। आप जरा सोचिए, ये हैंडल्स कितने गंदे थे, और ये गंदे हैंडल्स
सॉल्यूशन की सहायता से बिल्कुल साफ हो गए और इस सूती कपड़े से इनको पोंछ दिया गया है, साफ करके रखा गया है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब ये साफ हो जाएं तो किसी अखबार पर इनको रखिएगा और उसके बाद इन पर थोड़ा सा टेलकम पाउडर डाल दीजिएगा और उस अखबार से भी, और टेलकम पाउडर पड़ा होगा और अखबार से आप टेलकम पाउडर अखबार की मदद से रगड़ दीजिएगा, आप देखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल नए हो जाएंगे आपके हैंडल्स, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। और यही नए मैं दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मैंने अपने कारपेंटर को यह नहीं बोला कि हैंडल्स को साफ कर लूँगा, लेकिन जब हैंडल्स हमारे साफ हो गए और मैंने अखबार की मदद से टेलकम पाउडर, ये देखिए पहला, ये दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता रहा था, ये आपके सामने ये है वाइट विनेगर, वाइट सिंथेटिक विनेगर, आप जानते हैं हमारी रसोई में उपलब्ध रहता है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेकिंग पाउडर, आप एक प्लास्टिक के मग में वाइट, दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना है जान लीजिए, एक प्लास्टिक के बर्तन में ये वाइट विनेगर ले लीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना ले लीजिए, फिर उसमें एक बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, आवश्यकता अनुसार 2 चम्मच 4 चम्मच डाल दीजिए और इस सॉल्यूशन से रगड़ दीजिए। तो दोस्तों ये रहा रिजल्ट, इस तरह से घर में रखी कुछ वस्तुओं की सहायता से आप सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं और अपने किचन टैप्स को, वॉशरूम टैप्स को और फर्नीचर के हैंडल्स को साफ कर सकते हैं। हम इसी तरह के वीडियोज लेके आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बहुत धन्यवाद।